अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही यम्मी रेसिपी शेयर कर रही हूँ सिंपल पॉपकॉर्न और कैरामल पॉपकॉर्न की। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलेंगे आए हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ एक पॉट लेंगे, उसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें 1 कप कॉर्न ऐड करेंगे। कॉर्न को हम 1 से 2 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। जैसे ही कॉर्न का कलर चेंज होगा तो हम इसे कवर कर देंगे। ये देखें पॉपकॉर्न हमारे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको, ये एक टिप है कि जैसे ही इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो जाएगी तो हम इसकी कैप को थोड़ा सा हटाएंगे ताकि वो स्टीम रिमूव हो जाए। इससे ये होगा कि हमारे पॉपकॉर्न क्रिस्पी बनेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा कैप हटाया है, स्टीम निकल चुकी है। मैं पॉट को दोनों तरफ से पकड़ के हिलाऊंगी ताकि अगर कॉर्न कोई एक आध नीचे हुआ हो पॉपकॉर्न के अंदर तो वो भी पॉपकॉर्न बन जाए। ये देखें माशाल्लाह से हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके लिए कैरामल सॉस रेडी करते हैं। 4 टेबलस्पून यहाँ मैंने बटर लिया है। बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ को मैंने अच्छे से पीस लिया है, ये 3 पीस मैंने गुड़ के लिए थे। आप इस गुड़ की जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके अंदर हम 1/2 कप वाटर ऐड कर देंगे। थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे। अब देखें गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है तो हम इसके अंदर 1/2 कप मिल्क ऐड कर देंगे। चम्मच चलाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे मिल्क को। बबल्स बन रहे हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पैकेट क्रीम का ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। साइडों से हम कवर करते जाएंगे इस तरीके से। इस पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसकी आंच जौन सी है चूल्हे की वो धीमी होनी चाहिए। तेज़ आंच होगी तो हमारी कैरामल सॉस जलने का खतरा है। चम्मच हमने कंटिन्यू चलाना है। ये देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। साइडों से हमने मस्ट कवर करना है इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह ब्यूटीफुल कलर आ रहा है कैरामल सॉस का। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कैरामल सॉस रेडी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। ये देखें आप पॉपकॉर्न इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। अब हम एक प्लेटर पर कैरामल सॉस अप्लाई करेंगे तरीके से। तो
और मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक ट्रे में अप्लाई करेंगे। अच्छे से इसे सेट करेंगे। अगर आप ऐसे सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बेक करूंगी। बेक करने से ये होगा कि कैरामेल सॉस जो सी वो हमारे हाथों को चिपकेगी नहीं। ये देखिए मैंने 5 मिनट तक के लिए बेक किया था, तो माशाल्लाह से हमारे कैरामेल पॉपकॉर्न और सिंपल पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपकी फैमिली इसको ज़रूर इंजॉय करेगी। और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।